भोपाल के वीआईपी रोड पर ऑटो स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे की जान जोखिम में डालकर ऐसे स्टंट करते हैं। स्टंटबाज ऑटो चालक का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इन स्टंटबाज ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक ऐसा करके ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इनके खिलाफ वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ई ऑटो से दो चालक वीआईपी रोड पर स्टंट कर रहे हैं। वीडियो में तीन पहिया ऑटो का एक पहिए को उठाकर स्टंट करते हुए दिख रहे हैं और ऑटो चालक बिना किसी की परवाह किए ये कारनामा कर रहे हैं। स्टंट के दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालक भी हैरान रह गए। हाँ जी, अभी आप सभी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया है कि दो इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा जो हैं वो आपस में साथ में स्टंट करते हुए नजर आए हैं वीआईपी रोड पे। उक्त जो वीडियो है उसको संज्ञान लिया गया है और उसकी टाइमिंग और डेट के आधार पर उनके ट्रैक किया जा रहा है उनको, और उसमें विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उक्त जो घटनाक्रम है ये मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन में आता है और साथ ही साथ में ये रैश ड्राइविंग और न्यूसेंस की कैटेगरी में भी आता है, तो इसमें जो है ट्रैक करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक ये काफ़ी जगह के इशू है, ये एक सभी जगहों में एक इशू आता है कि आजकल जो हाई स्पीड बाइक्स हैं, हाई स्पीड कार्स हैं, मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं, तो एक एडवेंचर जो सीकिंग बिहेवियर है लोगों का, वो गलत तरीके से रोडों पे पब्लिक प्लेसेस पे निकाला जाता है जिसमें कि जान भी जोखिम में डाली जाती है। इस संबंध में हमारे प्रयास ये रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमने पूर्व में कार्रवाई करी है, परंतु जो है ये इसको 100% रोकना तो संभव नहीं है, परंतु जब भी कुछ इस तरीके की घटना संज्ञान में आती है तो उसका प्रयास किया जाता है। पूर्व में हमने मॉडिफाइड बाइक्स पे और हाई स्पीड और स्टंट बाइक्स पे कार्रवाई करी है जिसके चलते काफ़ी कमी आई है स्टंट में, लेकिन ये कार्रवाई कंटिन्यूस कभी कभार नहीं हो पाती है त्योहारों के कारण। अब हम इसको जो है पुनः स्टार्ट कर रहे हैं जो भी हाई एंड बाइक्स और मॉडिफाइड बाइक्स और स्टंट वाले जो केसेस हैं, ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।